नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। रूस यूक्रेन जंग, कीव में 900 लोगों की सामूहिक कब्र मिली। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने 20 फ्लाइट पूर्वी यूरोप पहुंची। गर्मी से भारत के पड़ोसी भी बेहाल, पाकिस्तान में 61 साल का रिकॉर्ड टूटा पार, 48 डिग्री पार। नेपाल बांग्लादेश में भी यही हाल। रूस ने डॉल्फिन्स को दी मिलिट्री ट्रेनिंग, यूक्रेन से जंग के बीच जासूस मछलियों को नेवल बेस पर किया तैनात। नया वेरिएंट आने तक हम सेफ है, ओमिक्रॉन की वजह से भारत की 98% आबादी में एंटीबॉडी, इसलिए कोरोना का खतरा भी माने। महबूबा का पाकिस्तान का, पूर्व सीएम बोली कितनी भी फौज ले आए जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान से बात तो करनी ही पड़ेगी। खालिस्तान पर पटियाला में हिंसा, सिख हिंदू संगठनों के बीच फायरिंग हुई, तलवारें चली, रात भर कर्फ्यू, आज हिंदू संगठन ने बुलाया बंद। जिग्नेश मेवाणी मामले में कोर्ट ने असम पुलिस को लताड़ा, हाईकोर्ट से कहा इसे नहीं रोका गया तो यह राज्य पुलिस राज्य बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा आतंकवादियों के खिलाफ अभियान, 85 से 95 आतंकी अभी भी एक्टिव। आज आरसीबी वर्सेस जीटी 153 के स्ट्राइक रेट से चल रहा है मैक्स वेल का बल्ला, 150 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं फर्ग्यूसन। जेल में बनेगी बाहुबलियों की, मुख्तार, अतीक, नाहिद सहित कई बड़े चेहरे, जेल में कुछ की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। वाराणसी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार, अब बारिश के आसार। शहर में दिन और रात दोनों पहर का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, एक्यूआई 149 अंक पर। सहारनपुर में पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा भी होंगे शामिल। मोक्षा यातन योग संस्थान का 49वां स्थापना दिवस। दो भाइयों ने किडनैप कर मांगे थे 50 लाख, एसटीएफ पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया, गोरखपुर में किराए के कमरे में बांध कर रखा था। साइबर फ्रॉड का नया ट्रेंड, फर्जी वेबसाइट बनाकर हो रही ठगी, लगाम के लिए बनेगी डिजिटल फोरेंसिक लैब, विशेषज्ञों की तैनाती। एक्शन में सरकार, डिप्टी सीएम बोले प्रदेश के सभी सरकारी भवनों व अस्पतालों के पास फायर एनओसी होना अनिवार्य है, इनमें केंद्र सरकार के भवन भी हैं शामिल। यूपी की बड़ी खबरें, लड़ाकू विमानों की गरज से चौका गोरखपुर, सड़कों पर दौड़ने लगी पुलिस फायर ब्रिगेड, देर रात हुआ ब्लैकआउट रिहर्सल। केवल 5% लखनवी नहीं चाहते लाउड स्पीकर हटे, 80% लोगों ने कहा मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटे, 10% ने कहा बस मस्जिदों से हटना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के पहले एक्सपर्ट विनोद सिरोही मुजफ्फरनगर में पहली पोस्टिंग पर कैल गैंग का खात्मा किया, 39 बदमाशों को ढेर कर चुके हैं। 100 दिन के कार्य को बताने के लिए लगाई चौपाल, बांदा में जनता चौपाल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, दो राज्य मंत्रियों ने भी समस्याओं को सुना। देर रात मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, आगरा में 20 घंटे के अंतराल में पुलिस की बदमाशों से दूसरी बार मुठभेड़। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।